तीन ही स्कूल चलता है। व्यवस्था में न दरी है, न कुर्सी है, न टेबल है, अभी कुछ व्यवस्था नहीं है। तो आपके स्कूल के जितना भी ऑफिशियल है सब कुछ इसी एक रजिस्टर में जो आप झोले में लेकर हमको मिलना ही है। कैसे चला रहे हैं? ऐसे ही चला रहे हैं। दो ऊपर में तीन बुनियादी रखे हैं, दो कमरा में हम लोग कर रहे हैं। सीढ़ी के अंदर में घेर के बना लिए हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहाँ पर खाली है, कोई ले जाएगा सामान वहाँ, इस कारण हम लोग सामान अंदर रखते हैं। कुर्सी अपना ले आके रखे हैं, सीधे नीचा रहता है, सीधे ऊपर रहता है अपना घर। सबसे ज्यादा यहाँ से आईएएस और आईपीएस निकलने के बावजूद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो इतनी बदहाल आखिर क्यों है? इसके पीछे क्या कारण? उन्हीं कारणों की एक सच्चाई दिखाने के लिए आज हम आपको एक लेकर आए हैं, एक ऐसे सरकारी विद्यालय में, या यूं कहूँ तीन सरकारी विद्यालयों में, जहाँ का हाल देख कर अब शायद चौंक जाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग केवल एक है लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर तीन सरकारी स्कूल चलाए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, बिल्डिंग है तीन, पांच कमरे की बिल्डिंग जिसमें तीन सरकारी स्कूल चल रहे हैं। और इसी के साथ अब नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज में, और मैं हूँ आपके साथ सौम्या राठी। अब चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा डिजिटल है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पढ़ सकें, इसीलिए सरकार जो है पांच कमरे की एक बिल्डिंग में तीन सरकारी स्कूल चलाने की इजाज़त दे देती है। अब देखिए दीवार पर पीछे लिखा हुआ है संत लवेरा दास राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोसाई टोला पटना। स्कूल आपको नॉर्मल नजर आ रहा होगा, लग रहा होगा हाँ बोर्ड पर नाम तो एक ही लिखा हुआ है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब आप हकीकत से वाकिफ होंगे तब आप थोड़े सदमे में जरूर जाने वाले। लेकिन उसके पहले एक बार जरा आपको स्कूल की जो व्यवस्था है वो भी दिखा देते हैं। इस तरफ आप जो देख रहे हैं एरिया, यहाँ पर एक चापाकल है, दो बेसिन लगाए गए हैं और एक पेड़ दिख रहा है, कचरा है थोड़ा बहुत, वो सब भी ठीक है। लेकिन बता दें कि जितनी जगह अपने कैमरे के सामने फिलहाल देख पा रहे हैं, तीन स्कूल के बच्चों के लिए यही जगह जो है प्लेग्राउंड की तरह इस्तेमाल की जाती है, यानी कि तीनों स्कूल के जो बच्चे हैं वो इतनी सी ही जगह में प्लेग्राउंड के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आपको शौचालय दिख रहा होगा, और शिक्षिकाओं के लिए शौचालय है, लड़कियों के लिए शौचालय है और लड़कों के लिए शौचालय है, फिलहाल इनमें कुछ पे ताला लगा हुआ है। और चलिए हम आपको अंदर लेकर जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि कैसे पाँच कमरे वाली जो बिल्डिंग है इसे तीन स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कैमरामैन से आग्रह रहेगा कि वो अंदर आ जाए ताकि स्कूल की जो स्थिति है वो हम आपको साफ तौर पर दिखा सके और आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के नाम पर आखिरकार चल क्या रहा है। हम आपको अच्छा या बुरा नहीं बता रहे, बस जो हकीकत है हम आपको साफ तौर पर यही दिखा रहे हैं। अब स्कूल किस तरीके से चलाया जाता है, एक पाँच कमरे की जो बिल्डिंग है उसमें तीन स्कूल कैसे चल रहे हैं, ये आपको यहाँ बैठी शिक्षिका जो है वंदना कुमारी जी के मुँह से हम आपको खुद बताएंगे। यहाँ पर तीन ही स्कूल चलता है सर, मॉर्निंग में बुनियादी स्कूल चलता है 11:30 बजे से, प्राथमिक विद्यालय गोसाई टोला और बिनटोली प्राथमिक विद्यालय बिनटोली प्राथमिक विद्यालय गोसाई टोला में 90 बच्चा है, जिसमें 50% उपस्थित रखना है, आज 30 बच्चा आया है जी, ठीक है। और बिनटोली में बाढ़ के कारण बच्चे नहीं आ रहे। और जो बुनियादी है उसमें उसमें कितना 450 करीब बच्चा है, क्या है हमको नहीं पता है। पांच कमरे में तीन विद्यालय कैसे चला रहे हैं आप? कैसे चला रहे हैं? ऐसे ही चला रहे हैं, दो ऊपर में तीन बुनियादी रखे हैं, दो कमरा में हम लोग कर रहे हैं जी। और कितने अध्यापिकाएँ हैं? 14 है बुनियादी में, गोसाई टोला में से 6 है। और यहाँ कितने उपस्थित रहते हैं? आज सब उपस्थित रहते हैं, आज छुट्टी में है, तीन है विशेष अवकाश में, दो एक का सीएल है, दो हम लोग उपस्थित ही हैं। आपको लगता है कि तीन विद्यालय चलाने के लिए पांच कमरों की बिल्डिंग पर्याप्त है? नहीं पर्याप्त है मैम। क्या आकांक्षाएँ हैं आपकी सरकार से, क्या आपने कभी मांग रखी है? बहुत बार मांग रखी है लेकिन सरकार का कोई नहीं, मांग बहुत बार रखी है। मांग किस चीज़ को लेकर रखी जाती है खास तौर पर? विद्यालय हम लोग का है, जो जो भवनहीन विद्यालय यहाँ आया है उनको अपना भवन दें, उनको उस वहाँ शिफ्ट कर दें, लेकिन कोई नहीं है। इनका है, इनका स्कूल है बिनटोली, बाढ़ के कारण दहार है,
इसमें शिफ्ट किया गया, लेकिन आज 5 साल 6 साल से यहाँ चल रहा है, कोई एक्शन नहीं है। 6 सालों से कोई देखने भी नहीं, कोई देखने भी नहीं आते हैं, इसी में चलता है। मिड डे मील के लिए जो सरकार की तरफ से राशन आता है, क्या वो इसी स्कूल के लिए आता है, तीनों स्कूलों का एक साथ अलग अलग आता है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं, उनका अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है। और जो चावल दिए जाते हैं बच्चों को, वो अभी बच्चे को चावल, जब तक कोरोना का बंद था तो महीने महीने चावल दिया गया है बच्चे को। तो वो तीनों स्कूल में आए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तीनों अपना अलग अलग बांटते हैं। बच्चे को फ़ोन करके बुलाया जाता है उनका पेरेंट्स का, तब बांटा जाता है। अभी तो कोरोना काल की वजह से बच्चे बस 50% की जो स्ट्रेंथ है उसमें आ रहे हैं, जब सारे बच्चे आते होंगे तब कितनी दिक्कतें होती हैं? तभी एक बात, अभी तो बच्चे इनके आ ही नहीं रहा, उसी समय की हम बात बताए, जब बच्चे पूरे उपस्थिति रहता है तब का हम बात बता रहे हैं। अभी इनका बच्चा नहीं, बिनटोली का बच्चा नहीं आ रहा है, क्योंकि बाढ़ है, इस कारण इन लोग का बच्चा नहीं आ रहा है, सिर्फ शिक्षक यहाँ उपस्थित रहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बिल्डिंग में 5 कमरों में 3 विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिन 5 कमरों में से एक कमरा जो है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए टीचर्स ने ले लिया है, और 4 जो क्लासरूम है उनमें से एक ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पर पहले ही समझ चुके होंगे कि जो 3 स्कूलों के बच्चे हैं उन्हें 4 कमरों में फिट किया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि अगर आप एक क्लासरूम में घुसे हैं तो इसका कक्षा पहली या 8वीं का बता सके, क्योंकि यहाँ पर हर कक्षा के जो बच्चे हैं उन्हें आपस में मिला जुला कर बिठा दिया गया है। और साथ ही साथ देख पा रहे हैं कोरोना महामारी की वजह से, अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि गोसाई टोला में कुल मिलाकर 90 बच्चे हैं, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से सिर्फ 50% बच्चों को ही बुलाया जा सकता है। इसलिए अभी आधी आबादी की दिक्कत आपको जो है यह हमें नज़र आ रही होगी, बच्चों को हाँ थोड़ी दूरी बनाकर बिठाने की कोशिश की जा रही है। और शिक्षक जैसा कि लगातार कह रहे हैं कि उनकी तरफ से किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, मगर सरकार की तरफ से जो है वो कि कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। वंदना जी से एक बार मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि अभी यहाँ जो पीछे बच्चे दिख रहे हैं कौन कौन सी कक्षाओं के हैं? 1-2 का बच्चे, 1 और 2 के बच्चे हैं, और बाकी सीनियर क्लासेस के बच्चे अंदर है। तो चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं दूसरे क्लासरूम की तरफ, जहाँ पर सीनियर कक्षा जो है उसके जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। एक बार फिर देख लीजिए कि यहाँ हाँ थोड़ा बेहतर है, बच्चे भी हैं, बच्चों ने मुंह पर मास्क भी लगा के रखा है, और जो किताबें खोलकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वंदना जी, यहाँ पर कौन सी कक्षा के बच्चे बैठे हैं? 3, 4, 5 के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। 4, 5 इसमें बैठाते हैं, 3 के बच्चे उसमें देते हैं, वो रूम में देते हैं जी। इसलिए आज टीचर के अभाव के कारण 2-3 क्लास एक साथ है, 2 क्लास एक साथ, 3 क्लास। ये पीछे कुछ चावल के बोरे नजर आ रहे हैं, ये क्या चीजें हैं? गैस सिलेंडर है, रसोई का सामान है, मध्यान्ह का है ये सब, मध्यान्ह का है। तो स्कूल में अलग से किचन नहीं है? किचन नहीं, अलग से किचन नहीं है, हम लोग सीढ़ी के अंदर में घेर के, सीढ़ी के अंदर में घेर के बना लिए हैं, वहीं पर खाना बनाते हैं, वहाँ पर टूटा खाली है, कोई ले जाएगा सामान वहाँ, इस कारण हम लोग सामान अंदर रखते हैं, खाना बाहर में वहाँ पर बनाते हैं। मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ 3 विद्यालय चल रहे हैं, लेकिन किचन का हाँ, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई देखने भी नहीं आता, कोई नहीं आते, और सामान चोरी ना हो जाए इसलिए हम कक्षा में रखे, हम ऑफिस बरंडा पर रखे हुए, अंदर में मेरा ऑफिस यहाँ रहता था, लेकिन जगह के अभाव के कारण हम लोग बरंडा पर ऑफिस चला रहे हैं। एक बार फिर से कैमरामैन से आग्रह रहेगा कि आपको ये कमरा ठीक तरीके से दिखा रहे हैं, जो पहले यहाँ पर टीचर्स का ऑफिस था, लेकिन उसके बाद उसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था, वहाँ एक तरफ बच्चे बैठकर पढ़ाई करते थे, वहीं दूसरी तरफ रसोई के लिए गैस सिलेंडर चावल सारे बर्तन ही रखे हैं, क्योंकि 5 कमरे की बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ऐसा एक छोटा सा कोना नहीं दिया गया है जिसे जो शिक्षक है उसे मध्यान्ह भोजन के लिए अलग से रसोई घर बना सके, यहाँ चूल्हा रखा हुआ है, गैस सिलेंडर, डस्टबिन भी सब कुछ यही है। तो आप देख सकते हैं कि जगह का अभाव कितना ज़्यादा है कि टीचर जो है, जो शिक्षक है, उन्हें अपने ऑफिस को, अपने टेबल को यह बरामदा में शिफ्ट करना पड़ा है, ताकि बच्चे जो है वो कक्षाओं में आराम से पढ़ सके। ऊपर की तरफ हम आपको ले जाकर कमरे बेशक दिखाते हैं, लेकिन कुछ विवादों की वजह से जो ऊपर के 2 कमरे हैं उन पे ताला लगा दिया गया है। तो आप ये सोच लीजिए कि विवादों की वजह से पहले ही 5 कमरों में 4-3 विद्यालय चल रहे थे, और अब उनमें भी 2 कमरों में ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने कुछ देर पहले अपनी स्क्रीन पर देखा होगा कि बहुत सारे शिक्षक इस बात की भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि किसी का फीस माह से है तो किसी का
वर्षों से जो वेतन है उसे रोक दिया गया है। ऐसे में आप कल्पना करके देखिए कि ऐसे विद्यालय का, ऐसे विद्यालय में पढ़े छात्रों का क्या भविष्य है जहाँ के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा, जहाँ बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही। इसी बीच हम पहुँच चुके हैं कि तीसरे कमरे में ये क्लासरूम इस वक्त पूरी तरीके से खाली है। जैसा कि मैम ने आपको बताया, वंदना जी ने हमें, कि यहाँ तीसरी कक्षा के बच्चे बैठते हैं। जी, यहाँ तीसरी कक्षा के बच्चे बैठते हैं, लेकिन आज टीचर के अभाव में हम बच्चा को एक साथ बिठा दिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बच्चों बाहर दरी बिछी हुई है। दरी क्यों बिछाई गई है यहाँ पर, यह मैं जानना चाहती हूँ। यहाँ पर बच्चे कैरम बोर्ड सब खेलते हैं, कैरम प्ले वाला जब सब आता है, पेंटिंग उंटिंग करता है, मतलब स्कूल में अलग से कोई कमरा भी नहीं है जहाँ बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सके, जमीन पर दरी बिछा कर करना। जमीन पर दरी बिछा कर उसको पेंटिंग उंटिंग सिखाते हैं, करते हैं, तो पूरा सर्किल बना देते हैं बच्चे को, वहाँ बैठा कर कराते। कौन से स्कूल के अध्यापिका हैं आप? प्राथमिक विद्यालय बिनटोली। अभी आपके स्कूल के बच्चे यहाँ आ रहे हैं? जी नहीं, बात के कारण अभी बहुत दिक्कत है, बात की हवा में फैली। कितने साल से आपको जो स्कूल है उसे बाढ़ के नाम पर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? 2016 में। उसके बाद कोई देखने नहीं आया? सर पत्रकारी लोग तो आते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग के अच्छी से नहीं आया मीडिया वाले। पदाधिकारियों के आने के बावजूद कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया, स्थिति को सुधारा नहीं गया? उसके पहले हम ऐसी नहीं थे, हेडमास्टर नहीं। अच्छा, जब आम दिनों में बच्चे यहाँ आते हैं तब तीन स्कूल की बिल्डिंग एक होने की वजह से क्या दिक्कतें होती? सर दिक्कत है मैडम बैठने का, अथी करने का, बच्चा को ऊपर नीचे कर किया जाता है। और व्यवस्थाओं में क्या दिक्कतें आती हैं? व्यवस्था में न दरी है, न कुर्सी है, न टेबल है, अभी कुछ व्यवस्था नहीं है रजिस्टर किया। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी आवेदन नहीं किया? उसके पहले नहीं थे मैडम। जब से आप हैं तब से आपने कभी कोई आवेदन, कोई शिकायत? हम दिए हैं मैडम, हम दिए हैं, लिख दिए हैं। उसका नतीजा कुछ निकला अभी तक? हाँ होगा यही लोग कर रहा है, मतलब सुधार अभी तक नहीं हुआ? जी नहीं, हमको अभी कुछ नहीं मिला है। हेडमास्टर के थी जैसे बैंक के थी से यहाँ पर रजिस्टर पहले तो कुछ नहीं मिला है हमको, सिर्फ एक रजिस्टर मिला है अधिकारी की तरफ से, उसी में हम अपना हाजिर टीचर का हाजिरी बनाते हैं। जी अभी बच्चा को एडमिशन लिए हैं, उसका अभी ले रहे हैं, मैंने लिए हैं करना। यहाँ पर आपके स्कूल का अपना तो ऑफिस नहीं है, तो जो कागजात हो जाए ज़रूरी वो कहाँ रखते हैं? कागज मेरे पास अभी हाले नहीं है, जो मेरा है मैडम एगो रजिस्टर है, यही में ले जाते हैं, ले आते हैं कहीं, कुर्सी अपना ले आके रखे हैं, तिले नीचा रहता है, तिले ऊपर रहता है अपना घर से। अब घर से लेकर आई हैं? जी जी। आप इसमें रखते हैं अपने कागज? एक बार एक रजिस्टर है मैडम, और कुछ नहीं है, सत्ता नहीं। तो आपके स्कूल का जितना भी ऑफिशियल है सब कुछ इसी एक रजिस्टर में जो आप झोले में लेकर घूमेंगे? अभी हमको मिलना ही है, अभी बच्चा सबके एडमिशन लिए हैं, एक बच्चा सबके एडमिशन लिए हैं, वो अभी रफ पर बना के रखे हैं। जी अभी गठन समिति का हुआ है मेरा, अभी वो लोग कहे हैं जब हम बच्चा को लिए गाँव वाला लोग आया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल, जहाँ पहले तो सरकार अपनी आंखों पे इस तरीके से पट्टी बांध लेती है कि तीन विद्यालयों को चार कमरों में डाल दिया जाता है, उसके बाद ये होता है कि उन चार कमरों में से भी विवादों की वजह से दो कमरों के ऊपर ताले लगा दिए जाते हैं। इन चार कमरों में एक कमरा ऐसा नहीं दिया जाता है जहां बच्चों के मिड डे मील प्रोग्राम के लिए जो शिक्षक है वो एक रसोई घर बना हुआ, इसलिए जिस कक्षा में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उसी कक्षा में शिक्षकों को खाना भी बनाना होता है। साथ ही साथ जो शिक्षक हर परिस्थिति का सामना करने के बावजूद बच्चों को उत्तम से उत्तम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके वेतन को 5-5 साल 20-30 माह के लिए रोक दिया जाता है। उसके बाद फिर हमारी जो सरकार है वो ये दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्तम है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि उनकी तरफ से बेहतर शिक्षा के लिए हर इंतज़ाम किए जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी गई है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इस विद्यालय की कहानी से आपको ये समझ में आ गया होगा कि शिक्षा व्यवस्था में जिस खोखलेपन की, जिस विफलता की हम बात करते रहते हैं उसकी जमीनी हकीकत आखिर क्या है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज के साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।